हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जेक्यूरी यूआई को अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में यूज करना सीखेंगे। जैसे आप जेक्यूरी यूआई के साइट पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये ड्रैगेबल ड्रॉपेबल रिसाइजेबल इस तरह के आपको अगर फंक्शनलिटी वर्डप्रेस में चाहिए बनी बनाई तो ये वर्डप्रेस हमें देता है बनी बनाई चीजें। आपको सिर्फ आपको एनक्यू स्क्रिप्ट कराना है और जो भी आप जेक्यूरी यूआई में आप करते हो वो आसानी से वर्डप्रेस में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जैसे मैं आपको सिर्फ क्या करना है कि एनक्यू करानी है अपनी लाइब्रेरी। जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू सोर्स करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और यहाँ पे jQuery UI.js फाइल और यहाँ पे jQuery इससे पहले इंक्लूड किया हुआ है। तो आप अगर अपने प्रोजेक्ट पे जाओगे, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है jQuery UI के नाम से, तो मैं यहाँ पे आऊंगा jQuery UI नाम UI फोल्डर में, तो आप WP इंक्लूड पे क्लिक करोगे, इसके अंदर JS फाइल में जाओगे। JS के अंदर अगर जाओगे तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो jQuery नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर jQuery UI मतलब यूआई के अंदर जितने सारे अलग हर एक कंपोनेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग फाइल बना रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल jQuery UI.js में सारी कोडिंग की हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ड्रैगेबल, तो यहाँ पे ड्रैगेबल नाम से बना होगा। मैं दिखा देता हूँ ड्रैगेबल, देखिए फ्रेंड्स ये ड्रैगेबल लिखा हुआ है, ड्रैगेबल min.js भी है। इस तरह से आप देखिए, इसी तरह ड्रॉप टेबल यहाँ पे देख सकते हो और jQuery UI में भी आप ड्रॉप टेबल पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप वर्डप्रेस में आसानी से कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, कोडिंग करना है और आपको ये CDN भी या आपकी JS की लाइब्रेरी आपको डालने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस हमें ये पहले से यहाँ पे दे रखा है, इसे हमें सिर्फ यूज करना है। ड्रैगेबल हो गया, ड्रॉपेबल हो गया, इफेक्ट हो गया, आप सारी चीजें जो जेक्यूरी आप यूआई में यहाँ पे देख सकते हो। डेट पिकर भी आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें बहुत आसानी से वर्डप्रेस में यूज कर सकते हो। इस तरह से इफेक्ट भी कोई ऐड करना हो वो भी कर सकते हो। इफेक्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, रन करोगे तो आपको बाइंड इफेक्ट दिख जाएगा। इसी तरह ड्रॉप पे क्लिक करके रन इफेक्ट करूंगा ड्रॉप, इसी तरह आप सारे इफेक्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इन्होंने JS फाइल दे रखी है। इसी तरह अब मैं बैक जाता हूं तो आप यहाँ पे एक CSS का भी फोल्डर होगा, आप इसमें देखोगे तो ये jQuery UI डायलॉग बॉक्स सारी चीजें यहाँ पे CSS भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लोर करके भी देख सकते हो। और आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन रेफरेंस में WP NQ स्क्रिप्ट जो फंक्शन होता है वर्डप्रेस देता है NQ कराने का, आप उससे जाके अगर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे jQuery UI का कैसे यूज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हैंडल नेम है और यहाँ पे डिपेंडेंसी है। तो हैंडल नेम में आप देखोगे कि अगर आपको jQuery ऑटो कंप्लीट यूज करना है तो ये हैंडल नेम डिफाइन करना पड़ेगा और डिपेंडेंसी में jQuery देना पड़ेगा। इसी तरह jQuery UI डेट पिकर यूज करना है तो आपको ये jQuery UI डेट पिकर ये आपको एनक्यू कराने पड़ेंगे और डिपेंडेंसी jQuery पे आपको देने पड़ेंगे। इस तरह से आप कर सकते हो। तो अपने वीडियो में हम एक कस्टम प्लगइन बनाएंगे और जो जरूरी की चीजें हैं वो सारी चीजें मैं अपने jQuery UI का यूज करके अपने इस वीडियो सीरीज में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो करके आप jQuery का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में। अगर आपको इस तरह के वीडियो
आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कस्टम प्लगइन बनाएंगे और इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो और भी प्लेलिस्ट को मेरे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।